हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, आपके प्यार और सपोर्ट से हमने 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले आप सबको दिल से शुक्रिया और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके चैनल ने 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए है। बच्चा, बारी है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सॉल्व करने की। बच्चा, मेरा फिजिक्स का ये पर्सनली सबसे फेवरेट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में दो या तीन ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है और बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर। बेटा, चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आपको अभी तक के फिजिक्स के सारे लेक्चर के नोट्स एक साथ मिल जाएंगे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। चले बच्चा लोग, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिसने पता किया कि मैग्नेटिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जा सकती है। आपको इतना पता है कि अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो सोचने वाले ने ऐसा सोचा कि इलेक्ट्रिक करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रिक करंट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है? तो यही प्रश्न का जवाब कुछ एक्सपेरिमेंट से मिला। तो देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था बच्चों? तो पहले एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल लिया गया और उस कॉइल के साथ जोड़ा गया गैल्वेनोमीटर और उसके पास में एक मैग्नेट रखा गया। अगर मैग्नेट को ऐसे ही पकड़े रखे तो कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं बना, मतलब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। पर जैसे ही ये कॉइल का मूवमेंट कराया, जैसे ही ये कॉइल का नहीं मैग्नेट का, जैसे ही आपने ये मैग्नेट का मूवमेंट कराया, आपने जैसे ही ये मैग्नेट को बच्चों मूवमेंट कराया, तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। जब आपने मैग्नेट को पास में लिया तब डिफ्लेक्शन एक तरफ हुआ गैल्वेनोमीटर का, और जब मैग्नेट को दूर खींचा तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि भाई, अगर आप मैग्नेट को मूवमेंट कराते हो कॉइल के पास रख के, तो कॉइल के अंदर आप करंट डेवलप करवा सकते हो। अभी करंट कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उसका कोई आइडिया नहीं है। तो देखो, पहले एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है भाई? तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों के मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और ये कॉइल को आगे पीछे मूव करो, तो भी कॉइल के अंदर करंट डेवलप होगा। या फिर आप कॉइल को पकड़े रखो, मैग्नेट को मूव करो, तो भी डेवलप होगा इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आप कॉइल और मैग्नेट को एक पकड़े रखोगे, ऐसे ही स्टेडी रखोगे, तो कोई करंट डेवलप होने वाला नहीं है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ देखो। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेट को हटा के क्या ले लिया, एक सोलेनोइड ले लिया। अब लास्ट चैप्टर में आपने सीखा है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एक बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है। तो अभी हमने बार मैग्नेट की जगह यहाँ पे ले लिया बच्चों एक करंट कैरिंग कॉइल, और वो कॉइल में से हमने बैटरी पास करके यहाँ पर बैटरी जोड़ा है, मतलब इसमें से करंट पास हो रहा है, और ये कॉइल में कोई बैटरी नहीं है। यहाँ पर तो सिंपली क्या है, गैल्वेनोमीटर है जो डिटेक्ट करेगा कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। तो बच्चा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने बैटरी चालू करी, राइट, और ये कॉइल को जो करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल की बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है जो आपने लास्ट चैप्टर में बनवाई थी बच्चों। तो जैसे ही आपने ये करंट कैरिंग कॉइल को वापस मूवमेंट कराया, पता चला कि यहाँ भी करंट डेवलप हो रहा है। कॉइल पास में आई तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, और कॉइल दूर गई तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब यहां भी इन दोनों कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, राइट, तो यहां भी इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। सो इट इज अगेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स दैट इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेट को मूव करवाया कॉइल के पास रख के, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने सोलेनोइड को, करंट कैरिंग सोलेनोइड को मूव करवाया कॉइल के पास रख के। दोनों केस में कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वोल्टेज जनरेट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चा, यहां पे क्या है, अब इस पर्टिकुलर केस में हमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं करवाना है, बट हम क्या करेंगे, एक बैटरी के साथ स्विच जोड़ेंगे,
उसके साथ एक कॉइल रखेंगे जिसको सोलेनॉइड कह लो, और एक ऑयल कॉइल यहाँ पर है जिसके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, आपने जैसे ये स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते वक्त हमें पता चला कि ये भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, और जब आपने स्विच को ऑन का ऑन रखा तो ये रिफ्लेक्शन जीरो हो गया। फिर जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया, वापस ये गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट हुआ अपोजिट साइड पे। मतलब जितनी बार आपने स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ किया, उतनी बार यहां भी गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जब करंट चालू रहा इसके अंदर तब कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन कब हुआ, जब आपने स्विच को ऑन किया और जब आपने स्विच को ऑफ किया। मतलब जब आपने इसके करंट को चालू किया या बंद किया तब इसके अंदर भी करंट डेवलप हुआ। जब इसका करंट स्टेडी है, बैटरी चालू की चालू रखी है, करंट जब स्टेडी है देन देयर इज नो इंडक्शन, बट द मोमेंट व्हेन यू स्विच ऑन और स्विच ऑफ, दिस गैल्वेनोमीटर शोज द रिफ्लेक्शन, राइट। सो इन ऑल दिस केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस व्हाट द स्टेटमेंट्स आर। It is also observed that the deflection increases dramatically when an iron rod is inserted into the coils along their axis. तो अगर ये दोनों एक्सिस के बीच में अगर यहाँ पे आपने सॉफ्ट आयरन डाल दिया बच्चों, तो फिर इसका डिफ्लेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन हैज़ अ वेरी हाई परमीएबिलिटी। सॉफ्ट आयरन बहुत अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींच के कैरी करवाता है। लास्ट चैप्टर में सीखा था आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, है ना, ओके। तो बच्चा अब इन सारी बातों का आउटकम क्या है, पहले इसका आउटकम तो लिखे। इसका आउटकम क्या है बच्चा, तो इसका आउटकम है ऑन टर्निंग द की ऑन और ऑफ ईएमएफ इज डेवलप्ड इन नियर बाय कॉइल, राइट। तो एक बात यहां से पता चली बच्चों कि अगर ईएमएफ जनरेट करना है ना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने करंट चालू रखा है यहां पे तब भी मैग्नेटिक फील्ड तो इसके साथ रिलेटेड है ही, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेट होने से कोई करंट नहीं बना। बट जैसे ही आपने स्विच को यहां से ऑफ कर दिया, ये फील्ड घट के जीरो हो जाएगा, और जिस मोमेंट पे ये फील्ड घट के जीरो हुआ यहां पे थोड़ा डिफ्लेक्शन आया। सिमिलरली यहां भी अपने मैग्नेट को पास में पकड़े रखा है तो बहुत सारी फील्ड यहाँ पर रिलेटेड है, बट मैग्नेट को पकड़े रखने से कोई करंट जनरेट नहीं हुआ। बट जैसे ही आपने मैग्नेट को मूवमेंट करवाया, तुरंत ही क्या हुआ, इसके अंदर करंट जनरेट हुआ। मतलब जब इसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, अब मैग्नेट को पास लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेट को दूर ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो जब इसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तब इसके अंदर करंट बना, राइट। तो अब इन सारी चीजों से, ये सारे एक्सपेरिमेंट से अब हमें चलना है दो इंपॉर्टेंट लॉजिक के ऊपर। सबसे पहले समझ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो जिस तरह से बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई ए कॉस थीटा, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। ई वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बेसिकली दिखाता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, number of magnetic field lines passing perpendicular to the given area. It is the magnetic field lines passing perpendicular to the given area. Okay, consider करिए, चलिए यहां पर आपका एक सर्फेस है और ये उसका एरिया वेक्टर है, ठीक है। और अगर इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड के लाइन दिए हुए हैं, लेट्स से एट सम एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर, तो बच्चों सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिखेंगे हम, फाई बी भी लिख सकते हो, फाई भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी डॉट ए। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया वेक्टर, एंड हाउ कैन यू राइट बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या लिखा जाता है बच्चा, बी ए कॉस थीटा। तो ये जो टर्म बना आपका फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है बच्चा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट। तो ये सरफेस में से कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, दैट इज गिवन बाय दिस बी ए कॉस थीटा।
अगर एरिया इरेगुलर है तो क्या करेंगे? फॉर इरेगुलर सरफेस तो उस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, फ्लक्स को इंटीग्रेट करते हैं। बी, छोटा सा पहले एरिया लेंगे, अगर पूरा एरिया इरेगुलर है तो पहले एक छोटा सा एरिया लेके उसका फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये बी ए कॉस थीटा की जगह पे एरिया एक छोटा सा ले लो डी ए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, राइट। इस तरह से आपको मिलेगा फ्लक्स अगर एरिया इरेगुलर है तो। सिंपली क्या करना है, छोटा सा एक एरिया लेना है, उस पर फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर लेना है, राइट। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा बच्चों? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा, अगर आप यहां से देखो तो यूनिट क्या होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ए मतलब एरिया मीटर स्क्वायर, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वेबर। क्या यूनिट है इसका? स्टैंडर्ड यूनिट है वेबर, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है आइदर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और द यूनिट इज वेबर। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर के वेक्टर, तो इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और देखो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट हुआ, डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो ये क्वांटिटी कैसा है? स्केलर है। ठीक है, चलो इसका डायमेंशन क्या होगा, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा? तो देखो क्या यूनिट, क्या फॉर्मूला है उसका, बी इंटू ए। अब बोलो लास्ट चैप्टर से आपको याद है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? एक फॉर्मूला याद करो, एफ इक्वल टू आई एल बी, लास्ट चैप्टर में था, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, राइट। तो वहां से आप ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बच्चों? एफ डिवाइड बाई एल बी, एफ डिवाइड बाई आई एल, सॉरी एफ इक्वल टू आई एल बी फॉर्मूला ना, तो बी क्या लिख सकते हैं? एफ डिवाइड बाई आई एल इंटू ए। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, फोर्सेस एम वन एल वन टी माइनस टू, ए इज एम्पियर, एल इज एल वन एंड एरिया इज एल टू, एल वन एल वन कट। तो देख लो इसका डायमेंशन क्या बना बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन जनरेट हुआ एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो पूरा चैप्टर ही मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर चलने वाला है, पूरा चैप्टर ध्यान से समझना, पूरा चैप्टर ही मैग्नेटिक फ्लक्स पे चलेगा। ठीक है, सो क्या है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स है सिंपली बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। अब कई बार क्या होता है कि हमने ना एक लूप को रखा होता है इस तरह से, सपोज मान लीजिए हमने ऐसे लूप रखा हुआ है काइंड ऑफ, जिसके अंदर एन टर्न्स है, इस तरह से लूप है, दिस इज द लूप ऑफ एन टर्न्स। तो ये हो गया उसका एरिया वेक्टर, एंड सपोज ऐसे दिया है आपने मैग्नेटिक फील्ड बी, एंगल हुआ थीटा, तो इसका बच्चों टोटल फ्लक्स हो जाएगा, बिकॉज इसमें एन टर्न्स है ना, एन टर्न जो, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ए बी कॉस थीटा, क्योंकि हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक होगा, हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक होगा, राइट। तो टोटल अगर एन टर्न्स है तो एन टर्न्स का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? एन टाइम्स ए बी कॉस थीटा, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ेंगे, पूरा टॉपिक इसके ऊपर ही बेस्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए बी कॉस थीटा, इसी के ऊपर चैप्टर अब आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज द फैराडेज लॉ? बहुत सिंपल है, तो फैराडेज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उसका एवरेज वैल्यू होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और आगे लगता है नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है लेंज लॉ। अभी क्या है लेंज लॉ? अभी आगे आएगा, इसके बाद का ही टॉपिक है। तो नेगेटिव साइन फॉर लेंज लॉ, नेगेटिव साइन इज फॉर लेंज लॉ। ये क्या है बच्चों? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, मतलब टाइम टेकन। तो चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम टेकन, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों ईएमएफ जनरेट करने के लिए फ्लक्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने कॉइल के पास मैग्नेट को पकड़े रखा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ नहीं बनेगा। पर जैसे ही आप मैग्नेट को मूवमेंट कराओगे फ्लक्स चेंज होगा,
और फ्लक्स के चेंज होते ही क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। कितना ईएमएफ जनरेट हुआ बच्चा, तो जितना आपने फ्लक्स चेंज करवाया डिवाइड बाई जितने टाइम में चेंज करवाया, दैट इज डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, दैट इज सिंपली योर इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। बोलो इससे सिंपल आपको क्या दिया जाए बच्चों। ओके देखिए क्या लिखा है। सो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फैराडे अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट, कंक्लूजन क्या है बच्चों, आगे तीनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब कॉइल के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ बनता नहीं है। ओके द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सर्किट इंड्यूस ईएमएफ, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज फैराडे स्टेटेड एक्सपेरिमेंटली इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ कॉल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दिस इज द लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। कितना क्विकली आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, जितना आप क्विकली फ्लक्स को चेंज करोगे उतना ईएमएफ ज्यादा बनेगा, जितना आप फ्लक्स को स्लोली चेंज करोगे ईएमएफ कम बनेगा, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सबसे सिंपलेस्ट है, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यू अंडरस्टैंड दिस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एग्जांपल आया, क्या कहा है देखो तो एग्जांपल में, कंसीडर एक्सपेरिमेंट, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये मामूजा सवाल है, क्या कहा है, जो पहला एक्सपेरिमेंट था ना जिसमें आपने एक कॉइल लिया था है ना, उसके साथ ये गैल्वेनोमीटर था और यहां आपने मैग्नेट रखा था, तो क्या कहा है कि अगर इंड्यूस ईएमएफ बढ़ाना है तो क्या करोगे, तो भाई इंड्यूस ईएमएफ बढ़ाना है तो ये मैग्नेट को अपने ज्यादा क्विकली मूवमेंट कराएंगे, क्योंकि जितना क्विकली मैग्नेट को मूवमेंट कराओगे उतना क्विकली फ्लक्स चेंज होगा और जितना फ्लक्स जल्दी चेंज होगा उतना ईएमएफ ज्यादा बनेगा। क्या ही सवाल है यार, तो हम मैग्नेट को फटाफट मूव कराएंगे। देखो भाई, टू ऑब्टेन अ लार्ज रिफ्रेक्शन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, इसमें से एक यूज अ रॉड मेड ऑफ अ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल सी टू, हाँ ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। क्या करोगे बच्चों आप, यहाँ पे आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट का नहीं कहा है शायद, एक मिनट, आपको ना सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट का कहा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट का नहीं कहा है बच्चा, आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट का कहा है जहां पे बाजू में दूसरा एक कॉइल था ना, दूसरा भी एक कॉइल था, यहां पे नीचे क्या था, बैटरी था, ये वाले एक्सपेरिमेंट का कहा है, राइट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रिलेट होगा बिकॉज दिस इज कैरिंग करंट। चलो किस तरह से आप इसको ज्यादा ईएमएफ यहां पे बना पाओगे, तो पहला आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बच्चों एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल देंगे, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से कैरी करता है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स यहाँ पे लिंक करा पाओगे अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर ले लोगे तो। दूसरा क्या करोगे, कनेक्ट अ कॉइल टू द पावरफुल बैटरी, तो ये जो बैटरी है वो बड़ा स्मॉल पावरफुल ले लीजिए, क्योंकि जितना ये बैटरी पावरफुल होगा उतना करंट ज्यादा होगा, जितना करंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उतना ही फील्ड इसके साथ लिंक होगा, राइट। एंड थर्ड, मूव द अरेंजमेंट रैपिडली, अरेंजमेंट को रैपिडली मूवमेंट कराओ, जितना रैपिडली मूवमेंट कराओगे उतना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, जितना फ्लक्स ज्यादा जल्दी चेंज होगा उतना ईएमएफ ज्यादा बनेगा, यू अंडरस्टैंड दिस। ओके इजी चैप्टर है बच्चों। चलो अगर सेकंड में ऐसा कहा है कि अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है तो क्या करोगे, बल्ब लगा देंगे यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर नहीं है तो यहाँ पे बल्ब लगा दो, अगर करंट बनेगा तो बल्ब जलेगा, पता चल जाएगा करंट बना है कि नहीं बना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर नहीं है तो एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे, ये बेकार सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप, अ स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम
is placed vertically in east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla, is set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to zero in 0.70 second at a steady rate. Determine the magnitude of the induced EMF as well as the current during this time interval. Okay, चलो सबसे पहले क्या करा है हमने एक स्क्वायर लूप लिया कैसे रखा है वर्टिकली कौन से प्लेन में रखा है ईस्ट वेस्ट प्लेन में तो लेट्स से कि ये आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन है ये वाला बस फॉर द एग्जांपल ये आपका सपोज ईस्ट वेस्ट प्लेन है राइट तो हमने लूप को ऐसे रखा है ईस्ट वेस्ट प्लेन में हमने लूप को रखा है ध्यान से देना मैं इस तरह से ऐसे लिख रहा हूं इसको कि ये सपोज है ईस्ट वेस्ट ये है नॉर्थ ये है साउथ तो हमने लूप को रखा है ईस्ट वेस्ट प्लेन में तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इसको कैसे होता है परपेंडिकुलर राइट एरिया वेक्टर कैसे होता है लूप को परपेंडिकुलर तो अगर आपने एरिया ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा उसको परपेंडिकुलर तो ये हो गया एरिया वेक्टर ए अब फील्ड कहाँ लगाया आपने फील्ड दिया हुआ है 0.10 टेस्ला इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन मतलब ये होगा आपका डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड तो एंगल कितना हो गया ए और बी के बीच का 45 डिग्री आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए हाँ बच्चे नहीं तो आप सही नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस इस चैप्टर के चलो अभी आपको हिंट में और क्या दे दिया है भाई आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी है एक तो साइड दे दिया है साइड मतलब लेट्स से लेंथ ऑफ द लूप दैट इज 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर तो आपका एरिया हो जाएगा बच्चों स्क्वायर लूप का एल स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर दैट इज 0.01 ओके रेजिस्टेंस दे दिया आपको कॉइल का 0.5 ओम ओके और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.10 टेस्ला और आप ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करके जीरो करने वाले हैं तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो जीरो टेस्ला कितने टाइम में 0.70 सेकंड में 0.70 सेकंड थीटा एंगल आपको पहले ही पता चल चुका है कितना आया है 45 डिग्री आपको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आपको बताना है इंड्यूस करंट कितना क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है चलो फैराडेज लॉ यूज कर लेते हैं बच्चों चलिए फैराडेज लॉ यूज करते हैं सो बच्चों फैराडेज लॉ क्या कहता है इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा 5/ΔT नेगेटिव साइन अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों है ये इसके बाद के टॉपिक में आप सीखोगे लेंज लॉ में चलो फ्लक्स का फॉर्मूला कौन सा पता है बच्चों आपको फ्लक्स होता है आपका ए बी कॉस थीटा देखो एरिया लूप का चेंज नहीं हो रहा है एंगल चेंज नहीं हो रहा है चेंज कौन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको डेल्टा से बाहर निकाल लिया वैल्यू रख देंगे एरिया है 0.01 कॉस थीटा इज 45 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड राइट फाइनल वैल्यू है जीरो इनिशियल 0.10 चलो नेगेटिव लगा देते हैं ताकि आपका आंसर पॉजिटिव हो जाए सेट हो जाएगा आंसर सेट करने के लिए आप में नेगेटिव साइन लगा देते हैं ठीक है वैसे आपको खाली वैल्यू बताना है एवरेज वैल्यू माइनस में भी आंसर आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है जीरो इनिशियल था 0.10 तो चेंज कितना हुआ जीरो माइनस 0.10 फाइनल इज जीरो इनिशियल इज 0.10 कितने टाइम में 0.70 सेकंड में चलो इसको करें सॉल्व कॉस 45 1/√2 जो जाएगा 0.1/0.7 दैट इज -1/7 ओके अब इसके आगे का कैलकुलेशन करने के लिए मुझे चाहिए होगी छोटी सी एक कैल्सी जो मेरे पास यहाँ पे नहीं है एक सेकंड है बच्चों सो दैट आई हैव गॉट दिस आप बोलोगे सर हमारे पास थोड़ी कैल्सी होता है तो मैं कहूँगा भले नहीं होता कैल्सी आपके पास अगर आप CBSE वाले बच्चे हो तो फिर आपका नसीब खराब दिस इज कमिंग आउट टू बी ये वैल्यू आपका आ रहा है चलो इनटू कर ही देते हैं 0.01 ये वैल्यू आ रहा है आपका 0.0001 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1×10⁻³ वोल्ट तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ 10⁻³ वोल्ट अब आपको ये भी पूछा है करंट कितना बनेगा तो भाई ये तो सबको पता है करंट क्या बनता है ओम्स लॉ यूज कर लो ना करंट आई क्या हो जाएगा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ईएमएफ है 10⁻³ और रेजिस्टेंस है 0.5
तो करंट बन गया 2 × 10⁻³ एम्पियर। लो, आसान सा क्वेश्चन, ये फिगर आया समझ में, एंगल थीटा कहाँ से निकला, इट शुड बी वेरी मच क्लियर, राइट। आपने देखो बेटा, बहुत सारे लोग ना यूट्यूब के ऊपर चैप्टर्स समझा रहे हैं, बट उसमें और अपने में क्या डिफरेंस है? तो पहली बात तो अपने नोट्स बहुत डिटेल में होते हैं, मैं एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट अच्छे से कवर करता हूँ। दूसरी बात, हर एक एग्जाम्पल कवर होता है, हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन कवर होता है, और वो भी इतना प्रॉपरली लिखा हुआ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि कुछ इधर लिखा कुछ उधर लिखा और फिर कुछ कहीं से पीडीएफ उठा के नोट दे दिए। मैं तो आपको नोट्स एग्जैक्टली यही देने वाला हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, इतना सा फर्क है अपने चैनल और बाकी चैनल में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर्क्यूलर कॉइल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स, रेजिस्टेंस 2 ओम, प्लेस विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इन 0.25 सेकंड। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एंड द करंट इंड्यूस इन द कॉइल एंड द होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। तो आपको हमेशा देखना है कि आपने लूप किस तरह से रखा है। सो आपने लूप को रखा है विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स से बच्चों के ये अर्थ के होरिजोंटल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड है बी, राइट। तो आपने लूप इसके परपेंडिकुलर रखा है, आपने लूप कैसा रखा है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर रखा है, तो आपका एरिया वेक्टर अपने आप सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। अब यहां से क्या करना है आपको, लूप को रोटेट करना है अबाउट इट वर्टिकल डायामीटर थ्रू 180 डिग्री। तो ये हो गया इसका वर्टिकल डायामीटर, और आप लूप को वर्टिकल डायामीटर से रोटेट कर रहे हो। मतलब पहले लूप आपका ऐसे है तो एरिया वेक्टर आपका इस तरफ है, अब आपको इसको वर्टिकल डायामीटर से 180 डिग्री घुमा देना है, तो एरिया वेक्टर आपका इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो जैसे आप इसको घुमा दोगे 180 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री घुमाते ही जो आपका एरिया वेक्टर है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो जहाँ है वहीं रहेगा। तो आपका थीटा बदल के कितना हो जाएगा, 0 में से 180 डिग्री। कितने टाइम में ये हुआ, तो ये हुआ है आपके 0.25 सेकंड में, तो टाइम दे दिया यहाँ पे 0.25 सेकंड। इनिशियल एंगल है 0 डिग्री, फाइनल एंगल है 180 डिग्री। चलो और क्या हिंट है, रेडियस है कॉइल का हमारे पास 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻¹ मीटर। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, π × r². पाई इज 3.14, आर का वैल्यू 10⁻¹ का स्क्वायर कर दो, 10⁻²² मीटर, तो ये एरिया आ गया आपके पास। चलो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे दिए विच इज 500, कॉइल का रेजिस्टेंस दे दिया गया है 2 ओम। आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एंड करंट, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी है 3 × 10⁻¹। चलिए वापस फैराडे लॉ यूज करेंगे बच्चों, एज पर द फैराडेज लॉ डेटा लिखना ही इंपॉर्टेंट है। तो एज पर द फैराडेज लॉ, चलो क्या होता है फैराडेज लॉ में बच्चों, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। चलो फ्लक्स का एक लॉ था, फॉर्मूला कौन सा पता है बच्चों आपको, एन ए बी कॉस थीटा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दिए है। क्या चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो क्या रहा है, ये एंगल चेंज हो रहा है, थीटा थीटा चेंज हो रहा है ना, 0 से घूम के 180 हुआ। चलो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स 500, एरिया 3.14 × 10⁻², ये रहा वैल्यू, फील्ड है आपका 3 × 10⁻¹ इंटू, चलो एंगल, फाइनल एंगल कितना है 180 डिग्री, और इनिशियल एंगल क्या है 0। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल आएगा कॉस 180 डिग्री माइनस इनिशियल आएगा कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाई कितने टाइम में हुआ है बच्चों, 0.25 सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं ध्यान से, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए 3.14 × 3 हो जाएगा 9.42, ये 510⁻²² के मिंडे उड़ा दो आप, तो बचा आपके पास यहाँ पे -5 और साथ में 10⁻⁵ बचा हुआ है। चलो इधर सॉल्व करेंगे तो कॉस 180 होता है -1, कॉस 0 होता है 1, सो -1 - 1 क्या हो जाएगा, ये -2 डिवाइड बाई 0.25। अब आप या तो इसको आराम से कैलकुलेट करो, ठीक है बच्चों, या तो फिर आप कैलसी लगा लो मेरी तरह, तो मैं तो कैलसी लगाने में इंटरेस्टेड हूँ, 5 × 9.42 × 2 डिवाइड बाई 0.25 डिवाइड बाई 10⁵ है ना,
ये आ गया 0.003768, 0.003768, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। चलो इतना आ गया बच्चों ईएमएफ। अब ये भी पूछा है करंट क्या होगा, समझ आया ये लॉजिक आपका? इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा था बच्चों? पहले वाले क्वेश्चन में फील्ड चेंज हो रहा था, तो फील्ड को रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो एंगल चेंज हो रहा है 0 से 180, तो एंगल रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल है एकदम, राइट? इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इसरो में मंगलयान पहुंचाने जितना, इट्स क्वाइट इजी। चलो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये रहा देखो ईएमएफ का वैल्यू है हमारे पास, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, रेजिस्टेंस 2, डिवाइड बाय 2 करते हैं करंट आ गया आपके पास 0.001884 एम्पियर। तो ये आ गया बच्चों आपके पास करंट। एग्जैक्टली आ रही है बातें समझ में आपको? चलो एक और क्वेश्चन, इसमें भी कुछ चेंज होगा नहीं, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, हम तो खाली एग्जाम्पल करेंगे अभी, एक्सरसाइज तो अपने अलग से पूरा सॉल्व करते हैं ना। ये तो मेरा जो एक्चुअली ऑफलाइन क्लास चलता है ना बच्चों, उसका पीपीटी है। तो ऑफलाइन क्लास में मैं क्या करता हूँ, जितने टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्जांपल एक्सरसाइज पूरा साथ में करा देता हूँ, ताकि क्या एक के साथ में सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाए। बट क्योंकि यूट्यूब चल रहा है ना, तो यूट्यूब पे तो आप अलग से एक्सरसाइज ढूंढते हो, अलग से करवानी पड़ती है। चलो बच्चों अब बात करते हैं अपने अबाउट द लेंस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग लेंस लॉ। तो आपको इतना पता चल चुका है कि भाई अगर किसी लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए, किसी लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए, तो उसमें बनता है करंट। अब सवाल यह है करंट कौन से डायरेक्शन में बनता है, करंट कौन से डायरेक्शन में बनता है, राइट? तो ये करंट का डायरेक्शन बताने का काम करता है लेंज लॉ। और लेंज लॉ बड़ी सिंपल भाषा में ये कहता है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। मतलब ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपने ही कॉस को अपोज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ का कॉस क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स को ही अपोज करेगा। समझे कि नहीं, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। और इसे कहते हैं अपने लेंज लॉ। पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर केसेस समझते हैं। द पोलारिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, इंड्यूस करंट अपोज इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। सो इंड्यूस करंट विल अपोज वॉट, चेंज ऑफ फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट, राइट? तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट बनेगा, ये करंट क्या करेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल। चलो सिंपल सा बच्चों एग्जांपल आप समझो यहां पे। तो हमने क्या करा है, हमने एक कॉइल ले लिया है। चलो मैं आपको ना एक अलग से फिगर बना के समझा देता हूँ यहाँ पे, एंड देन यू कैन जस्ट पुट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको एज इट इज रखने हैं सारे, देख लीजिए आप। ओके, सो इट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। सपोज बच्चों हमने एक इस तरह से लूप लिया, राइट? ये एक्सिस है, तो मतलब ये फ्रंट डायरेक्शन है और ये बैक डायरेक्शन है। और यहाँ हमने एक मैग्नेट लिया, सपोज ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मैग्नेट का साउथ है, और हम नॉर्थ पोल को पास में ले जा रहे हैं, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। चलो मान लीजिए कि अगर अगर जिस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वहां पे अगर कॉइल का साउथ बनता है, साउथ मतलब एस, एस के एरो देखो इस तरफ करंट बना क्लॉकवाइज। मतलब अगर इफ 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 अगर आप नॉर्थ पोल को लूप के पास ला रहे हो और इससे जो करंट बना, उस करंट का सपोज साउथ पोल कहां पर है, मैग्नेट की तरफ है, तो क्या होगा? समझे हमने क्या किया, हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप के पास में ला रहे हैं, राइट? और लूप का जो फेस मैग्नेट की तरफ है, अगर उस पर साउथ बना, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये साउथ बना तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं? अट्रैक्शन की वजह से अपने आप ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अगर ये एक्सेलरेट होगा तो फ्लक्स और जल्दी जल्दी चेंज होगा,
क्योंकि अपने आप ये लूप क्या करेगा, उसको खींच लेगा, खींचेगा तो ये मैग्नेट और जल्दी जल्दी पास आएगा, मतलब फटाफट फ्लक्स चेंज होगा, राइट। अगर फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होना चालू करेगा तो इसमें और ज़्यादा करंट डेवलप होगा, और अगर करंट डेवलप होगा तो वायर गर्म हो जाएगी बाय आई स्क्वायर आर, मतलब आपको मिली हीट एनर्जी। सवाल ये है हीट एनर्जी आई कहाँ से, कहाँ से आई हीट एनर्जी, आपने तो कोई मेहनत करी नहीं, जो भी किया वो तो लूप ने किया, लूप ने तो अपने आप मैग्नेट को खींचा है, राइट। अपने आप मैग्नेट को खींच के उसको एक्सेलरेट करवाया, अपने आप अपना फ्लक्स चेंज करवा के करंट बनाया, ऐसा अपने आप कभी कुछ होता नहीं है। मतलब अगर ये केस सही है, अगर आप नॉर्थ को पास में ले जाओ और लूप की तरफ अगर साउथ बने, क्लॉकवाइज करंट बने, तो फिर यहाँ पे अपने आप बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इज वायोलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। फ्रॉम वेयर दैट हीट एनर्जी केम इन द वायर, यू आर डूइंग नो वर्क प्रैक्टिकली, यू आर जस्ट पुशिंग द मैग्नेट अ बिट, राइट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन बाय द कॉइल एंड मैग्नेट इटसेल्फ। सो वी आर नॉट स्पेंडिंग एनी एनर्जी एंड ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। सो व्हाट शुड इट बी, होना क्या चाहिए? तो बच्चों होना ये चाहिए कि अगर आप ये नॉर्थ को पास में लेके आ रहे हो ना, तो इस तरफ भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, फेस पे भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए इस फेस पे, नॉर्थ बनना चाहिए। अब क्या होगा देखो, अब ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैग्नेट को पास में लाया जाए, देन यू हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन, यू हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन, एंड वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग टू मूविंग मूव द मैग्नेट, आप जो भी वर्क कर रहे हो मैग्नेट को मूव कराने में, उसकी वजह से EMF बन रहा है, उसकी वजह से वायर में करंट बन रहा है, उसकी वजह से वायर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ओके। दैट वी आर डूइंग सम वर्क एंड दैट इज कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज ओके, दैट इज नॉट वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि मैग्नेट ने अपने ही कॉस, ये लूप ने अपने ही कॉस को अपोज किया। इसका कॉस क्या था, करंट, करंट डेवलप होने का कॉस क्या था बच्चों, करंट डेवलप होने का कॉस था नॉर्थ एंड का पास में आना, और जैसे ही नॉर्थ एंड पास में आया, इसने भी क्या करा, नॉर्थ एंड की तरफ नॉर्थ एंड बना लिया और उसको रिपेल करने लगा, मतलब लूप के मैग्नेट के मोशन को अपोज किया, मैग्नेट के मोशन को क्या किया बच्चों, अपोज किया, राइट। मतलब इंड्यूस करंट ने अपने ही कॉस को अपोज किया। ये करंट बनने का कॉज क्या है, करंट बनने का कॉज है, करंट बनने का कॉज है मैग्नेट के नॉर्थ पोल का पास आना, और करंट बनते ही उसने क्या करा, नॉर्थ पोल को पास आने से रोका, रिपल किया। मतलब इंड्यूस करंट क्या करता है, अपने ही कॉज को अपोज करता है, और अपना कॉज क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स। सो इंड्यूस करंट अपोजिस द चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस करंट क्या करता है, इंड्यूस करंट अपोज करता है चेंज ऑफ फ्लक्स को, इंड्यूस करंट अपोजिस द चेंज ऑफ फ्लक्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलो अब आप आराम से बच्चे इसके स्टेटमेंट्स पढ़िए, चलो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड द क्लोज कॉइल, नॉर्थ पोल को हमें पास ले जा रहे हैं। एज द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, the magnetic flux through the coil will increase, hence current is induced, क्योंकि पास में जा रहा है तो flux change हुआ तो current तो induce होगा, in the coil in such a direction that it opposes the increase in flux, क्योंकि flux increase हो रहा है तो induce current क्या करेगा, flux को increase होने से oppose करेगा, magnet के पास में आने से flux increase हो रहा है तो induce current क्या करेगा, flux को increase होने से रोकेगा, अपने cause को oppose करेगा। Okay, this is possible only if the current in the coil is in a counterclockwise direction with respect to an observer situated on the side of the magnet. That means this is only possible if this is true. Kaha gaya? This has to be the true. Right? Matlab jis taraf aap baithe ho us taraf bhi north pole banna chahiye. Okay, note that magnetic moment associated with this current has a north polarity towards the north pole of the अप्रोचिंग मैग्नेट, मतलब ये सही फिगर बनाया हुआ है, नॉर्थ पास में जा रहा है तो नॉर्थ को पास में आने से रोकने के लिए इस तरफ भी क्या बनेगा, नॉर्थ, और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। अब गलत केस भी देख लो,
सपोज दैट द इंड्यूस करंट वॉज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिपिक्टेड करंट, अगर अपोजिट है तो, जो मैंने आपको समझाया अपोजिट मतलब अगर ये केस है, मैं इसको बार बार करवा रहा हूँ बच्चा ताकि आपको क्लियर हो जाए, बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता आखिरी तक, अगर यहाँ पे साउथ बनता है तो आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायलेट होने वाला है। इन दैट केस द साउथ पोल ड्यू टू द इंड्यूस करंट विल फेस द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल, साउथ किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ को, एंड द बार मैग्नेट विल देन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कॉइल एट एन एवर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, साउथ क्या करेगा, बार मैग्नेट को अपने आप खींच लेगा। अ जेंटल पुश ऑन द मैग्नेट विल इनिशिएट द प्रोसेस, खाली थोड़ा पुश करके छोड़ दो, एंड इट्स वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी विल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, क्योंकि अपने आप ये कॉइल अट्रैक्ट कर लेगा तो स्पीड बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। इफ दिस कैन हैपन वन कुड कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन बाय सुटेबल अरेंजमेंट एंड दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। परपेचुअल मोशन मशीन का मतलब ऐसा मशीन जिसमें अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस हो, राइट, जो पॉसिबल होता नहीं है। दिस वायलेट्स व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हेंस कैन नॉट हैपन, राइट। तो नाउ वी कंसिडर द करेक्ट केस, जहां पे नॉर्थ के पास क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा तो ये आपका इनकरेक्ट है। और करेक्ट क्या है बच्चों, करेक्ट है कि अगर नॉर्थ पास में आ रहा है तो नॉर्थ को रोकने के लिए यहां क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, तो ये आपका सही फिगर है, करेक्ट है। मैं आपको दो तीन और केसेस भी समझाऊंगा, ओके। नाउ कंसिडर द करेक्ट केस, इन दिस सिचुएशन बार मैग्नेट एक्सपीरियंस इज अ रिपल्सिव फोर्स, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा ड्यू टू द इंड्यूस करंट, देयरफॉर अ पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द मैग्नेट, वेयर डज द एनर्जी स्पेंड बाय द पर्सन गो, तो आपने जो एनर्जी यूज किया है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉइल के अंदर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल सीटिंग में, ओके चलो नाउ अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ, इसको अपने साफ कर देते हैं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए। सपोज बच्चा इस तरह से लूप है, आप समझना ध्यान से, अगर मान लीजिए बच्चों के हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा। अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, दूर जाने से रोकेगा, अगर पास आ रहा है तो पास आने से रोकेगा, दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकेगा, उसको अल्टीमेटली क्या करना है, मैग्नेट के मोशन को अपोज करना है, उसको मैग्नेट के मोशन को अपोज करना है, राइट। तो अब अगर ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये उसको दूर जाने से रोकेगा, अगर नॉर्थ पोल को रोकना है दूर जाने से तो उसको अट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा, मतलब इधर क्या बनेगा, साउथ बनेगा, क्या बनेगा बेटा, इधर साउथ पोल बनेगा, समझे कि नहीं, ओके। एक और केस, अगर मान लीजिए बच्चों के यहां पे साउथ पोल पास आ रहा है, कैन यू सी द साउथ पोल, इवन आई कैन नॉट सी, तो बच्चों अगर साउथ पोल पास आ रहा है, बोलो अब आप बताओ तो ये क्या करेगा, साउथ पोल को पास आने से रोकेगा, तो साउथ पोल को पास आने से रोकने के लिए यहां क्या बनेगा, साउथ, ताकि साउथ साउथ क्या करे, एक दूसरे को रिपेल करे। अगर बच्चों साउथ पोल दूर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है मैग्नेट, अगर साउथ पोल दूर जा रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, साउथ पोल को दूर जाने से रोकेगा, पास आ रहा है तो पास आने से रोकना है, दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकना है, राइट। तो साउथ पोल दूर जाने से रोकना है तो साउथ पोल को खींचना पड़ेगा, खींचने के लिए साउथ को खींचने के लिए कौन बनेगा, यहां पे नॉर्थ बनेगा, तो करंट विल बी लाइक दिस, ओके। तो इतने केसेस आपको समझ में आ जाने चाहिए लेंज लॉ के, तो इसीलिए जब हम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लिखे थे ना, उसमें हमने माइनस साइन लगाया था, और माइनस साइन सिंपली आपको बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर लेंज लॉ क्या है। मैं चाहता तो इसको दो मिनट में भी करवा सकता था, हाँ, कि इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा ताकि वो अपने कॉज को अपोज करे, बट आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अब एक और केस आपको मैं समझाता हूँ, देखना ध्यान से बच्चों। सपोज यहाँ पे वायर है, वायर में से करंट जा रहा है, ठीक है, और अगर ये करंट सपोज आपका डिक्रीज हो रहा है, और एक लूप आपने ऊपर रखा है, एक लूप आपने नीचे रखा है, आपको बताना है दोनों लूप में करंट किस तरह से प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज। अब आप पहले समझो, तो करंट आपका इस तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड के अकॉर्डिंगली ऊपर से आपका फील्ड बाहर आ रहा होगा, और नीचे से आपका फील्ड कहाँ जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा।
जैसे करंट जा रहा है ना, तो ऊपर से फील्ड बाहर आएगा और नीचे से फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, मतलब यहाँ फील्ड क्या है, डॉट है, और यहाँ फील्ड क्या है, क्रॉस है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, फील्ड को डिक्रीज होने से रोकेगा, इंड्यूस करंट का काम क्या है, जो चेंज हो रहा है उसको होने नहीं देना है। तो आप जैसे ही करंट को चेंज करोगे, करंट अगर आप डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, तो जो इंड्यूस करंट बनेगा वो फील्ड को डिक्रीज होने से रोकेगा, डिक्रीज होने से रोकेगा, मतलब वो अपना फील्ड कहां बनाएगा, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि उसको फील्ड को रोकना है, डिक्रीज नहीं होने देना है, डिक्रीज नहीं होने देना है। उसका मतलब क्या है कि जिस तरफ आपका वायर का फील्ड है, इंड्यूस करंट भी उसी तरफ अपना फील्ड बनाएगा। अगर मान लो ये करंट बढ़ता ना, तो ये फील्ड बढ़ता, फील्ड बढ़ता तो ये क्या करता, इंड्यूस करंट फील्ड को बढ़ने नहीं देता, मतलब इंड्यूस फील्ड कहां होता, एक्सटर्नल के अपोजिंग होता। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो भी डिक्रीज होगा, तो जो इंड्यूस फील्ड है आपका, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज होने से रोकना है ना, तो इंड्यूस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, तो अभी देख लो बच्चा आपका ऊपर से एक्सटर्नल फील्ड कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, राइट, तो इंड्यूस फील्ड भी कहां आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, फील्ड कहां से निकलता है, नॉर्थ में से, मतलब यहां पे क्या एंड बनेगा, नॉर्थ एंड बनेगा, तो ऊपर वाले वायर में करंट कैसा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले में फील्ड कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्रॉस मार रहे हैं, राइट, तो एक्सटर्नल फील्ड भी कहां होना चाहिए, इंड्यूस फील्ड भी कहां होना चाहिए, अंदर की तरफ, राइट, मैंने समझाया आपको, करंट डिक्रीज हो रहा है तो फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस फील्ड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहां पे आपका एक्सटर्नल फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस फील्ड भी अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ मतलब पीछे क्या बनेगा, नॉर्थ, और आगे क्या बनेगा, साउथ, क्योंकि फील्ड कहां से निकलता है, नॉर्थ में से निकलता है, राइट, तो पीछे क्या होगा, नॉर्थ, जहां से फील्ड निकल रहा होगा और घूम के आगे से वापस अंदर से जा रहा होगा। आई होप दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन। अब अगर यहीं पे आप करंट को बढ़ा दो ना, तो ये दोनों एरो आपके चेंज हो जाएंगे करंट्स, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेंज लॉ, एंड आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। चलो अब इसका आंसर दीजिए, तो अपने कहां तक करेंगे इस लेक्चर में, क्या लग रहा है आपको, मोशनल ईएमएफ कर देंगे अपने, राइट, और क्या कर सकते हैं बच्चा, आपने इंडक्टेंस तक कर देंगे, ठीक है, इस लेक्चर में आ जाइए, ऐसे इतना कोई प्यार मोहब्बत आपका है नहीं मुझसे, 300, 350, 400 व्यूज आते हैं वीडियो पे, बट मैंने खुद को एक टारगेट देके रखा है कि इस साल में मुझे एनसीईआरटी पूरी यूट्यूब पे कंप्लीट कर लेनी है, ताकि अगले साल से फिर सिर्फ जेई के लेक्चर। समय लगेगा, है ना, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इन सब में आपको बताना है कि करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, कौन सा कलर लेना, यही लेते हैं। चलो सबसे पहला केस देखो, तो सबसे पहले केस में क्या हो रहा है बच्चों, आप लूप को अंदर लेके आ रहे हो, अंदर लेके आ रहे हो मतलब इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स इसका बढ़ेगा, पहले केस में क्या हो रहा है, फ्लक्स इसका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप लूप को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो, फील्ड के अंदर लाओगे तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा, मतलब अपोज करेगा, मतलब जो आपका इंड्यूस फील्ड होगा, इंड्यूस जो फील्ड होगा दैट इज अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। चल भाई, एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा, क्रॉस, क्रॉस मतलब एक्सटर्नल फील्ड कहां पर है, अंदर की तरफ, तो इंड्यूस फील्ड कहां पे बनेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का मतलब, बाहर की तरफ फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको अपना फील्ड कैसा बनाना पड़ेगा, डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब ऊपर क्या होगा बच्चों, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में से फील्ड निकलता है ना, नॉर्थ मतलब योर करंट विल बी लाइक दिस। अब आप लिख लेना कौन सा आपका डायरेक्शन हो रहा है, वो दैट इज ए बी सी डी डायरेक्शन। सेकंड में देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आपका लूप बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब फ्लक्स क्या होगा उसका, डिक्रीज होगा,
अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस फ्लक्स क्या करेगा, उसको डिक्रीज होने से रोकेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में बनेगा, डिक्रीज नहीं होने देना है, सपोर्ट देना पड़ेगा उसको, राइट right? मतलब इंड्यूस भी कैसा बनेगा, सेम डायरेक्शन, सो बी इंड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। चल भाई एक्सटर्नल क्रॉस है तो इंड्यूस भी क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। क्रॉस मतलब फील्ड कहाँ जाना चाहिए, अंदर की तरफ। फील्ड कहाँ से अंदर जाता है, साउथ से, और बाहर कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से। मतलब पीछे नॉर्थ होगा और आगे क्या होगा, साउथ, ताकि साउथ में से आपका फील्ड अंदर चला जाए। मतलब यहाँ क्या बना होगा आपका, साउथ बना होगा। एक सेकेंड इस तरह क्लियर लिखता हूँ मैं, क्या बना होगा यहाँ पे आपका, साउथ बना होगा। नहीं मजा आ रहा है, अभी मजा करवाता हूँ, लो क्या बना होगा यहाँ पे, साउथ। और इसका खुद का फील्ड भी क्या होगा बच्चों, क्रॉस। चलो साउथ मतलब करंट किस तरफ गया आपका, ए सी बी, साउथ के आप एरो देख लो आपको पता चल जाएगा करंट कहाँ गया आपका बच्चों, ए सी बी। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, देखिए एरो मस्त एकदम। कैन यू सी दिस, ओके फाइन। चलो यहाँ पे आ जाओ बच्चा, अभी इसमें भी क्या जा आपका लूप बाहर जा रहा है ना, बाहर जा रहा है मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका इंड्यूस फ्लक्स होगा, जो भी आपका इंड्यूस फ्लक्स होगा वो कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल। चलो एक्सटर्नल कहाँ पर है, अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस भी कहाँ बनेगा आपका, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब ऊपर क्या बनेगा, साउथ, और पीछे क्या बनेगा, नॉर्थ। साउथ मतलब देख लो एरो, बोलो बेटा इससे सिंपल किसी ने समझाया है आपको, कोई नहीं समझाया होगा। आई एम गिविंग यू द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल, 10 साल की मेरी तपस्या है भाई, ये सबके पीछे मेरी 10 साल की तपस्या है, 10 साल निकाले हैं इनके पीछे, तब जाके ये सब चीजें ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 6.5 क्या लिखा है देखो। अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द टू परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड। कैन वी होप टू जनरेट द करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, नॉट पॉसिबल। क्या कहा है कि मैग्नेट के दो पोल्स हैं, उनके बीच में हमने एक लूप रखा हुआ है स्टेशनरी। ऐसा कहा है कि अगर आप बहुत स्ट्रांग मैग्नेट ले लो तो क्या आप करंट जनरेट कर सकते हो लूप में, नहीं कर सकते हो, क्योंकि करंट तभी जनरेट होगा जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। मतलब जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर मूव करेगा तब जाके करंट बनेगा। अगर आप स्टेडी रखोगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा। ओके सो यूजिंग स्ट्रांग मैग्नेट्स will not produce EMF in loop as flux is not changing। अगर आप लूप को मूव कराओगे तो फिर फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंड क्या पूछा है, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर, इज अ करंट इंड्यूस इन द लूप when it is wholly inside the region between the capacitor plates, when it is partially outside the plate of capacitor, the field is normal to the plane of loop। कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ भाई आपको कौन सा फील्ड चेंज करवाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में तो क्या फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लूप को मूवमेंट करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से कोई ईएमएफ बनता नहीं है। ईएमएफ कब बनता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। सो हम यहां पे लिखेंगे कि नो मूविंग कॉइल इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट कॉज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अपना तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए ना ईएमएफ लाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन, फेवरेट, लेट्स सी। लेंज लॉ है, मतलब मुझे तो मजा आ जाता है।
चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू अ फील्ड फ्री रीजन। देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप बाहर जा रहा है, यहाँ पे सर्कुलर लूप बाहर जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ टू बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। तो दोनों में से आप दोनों को ही लूप के बाहर निकालोगे तो दोनों का फ्लक्स चेंज होगा, मतलब दोनों में ईएमएफ बनेगा। आपको बताना है किसमें ईएमएफ यूनिफॉर्म होगा। तो माय आंसर इज अ स्क्वायर रेक्टेंगुलर लूप, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर लूप बाहर आएगा ना तो उसका हमेशा यूनिफॉर्म एरिया बाहर आएगा। देखो जब रेक्टेंगुलर लूप बाहर आएगा तो उसका यूनिफॉर्म एरिया बाहर आएगा, हर बार उसका सिमिलर सिमिलर एरिया ही बाहर आएगा इक्वल टाइम इंटरवल में, राइट। जबकि स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा, स्क्वायर में पहले सबसे छोटा एरिया बाहर आएगा, फिर कंपैरेटिवली और बड़ा एरिया बाहर आएगा, फिर कंपैरेटिवली और बड़ा एरिया बाहर आएगा, राइट। तो आपको कांस्टेंट ईएमएफ कहाँ मिलेगा बच्चों, इसके अंदर जो एरिया के बाहर आने का रेट है ना, ये कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है, इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल एरिया ही बाहर आएगा। मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा आपका, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। जबकि इस केस में जो एरिया के बाहर आने का रेट है वो पहले कम एरिया बाहर आएगा, फिर ज्यादा एरिया बाहर आएगा, फिर वापस एरिया धीरे धीरे कम हो जाएगा बाहर आना, राइट। तो ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। लो बच्चा आया समझ में, सर आया आया। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर, कौन सा प्लेट पॉजिटिव बनेगा, कौन सा प्लेट नेगेटिव बनेगा। मस्त क्वेश्चन। इस मैग्नेट को देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। चेक आउट दिस मैग्नेट, क्या हो रहा है। तो साउथ पोल पास में आ रहा है ना, साउथ पोल पास में आ रहा है, साउथ को पास में नहीं आने देना है, अपोज करना है। तो साउथ को पास में नहीं आने देना है, तो इस तरफ भी क्या बनेगा आपका, साउथ पोल बनेगा, क्योंकि साउथ को पास में आने से रोकना है तो इधर भी साउथ बनना चाहिए। मतलब करंट आपका ऐसे होगा, अगर ऐसे आपका करंट जाएगा, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो कैपेसिटर का ए प्लेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और कैपेसिटर का बी प्लेट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि ए प्लेट पे धीरे धीरे कौन सा चार्ज जमा होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो अपने आप बी प्लेट कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। सो प्लेट ए पॉजिटिव होगा, प्लेट बी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं। सिंपल सा एकदम, समझ आ रहा है बेटा आपको, क्लियर हो रहा है ये चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज है। चलो नाउ लेट्स सी द इमोशनल ईएमएफ, क्वाइट सिंपल वन, वेट अ सेकंड। चलो आइए देखते हैं इमोशनल ईएमएफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा ये थियरी है बच्चों। तो लेट्स से वी हैव अ फ्रेम, हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस मेटल का फ्रेम है, राइट, और उसके ऊपर एक रॉड है जिसका लेंथ है एल। ये रॉड का लेंथ है एल और ये पूरे रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो आप बच्चा, पूरे रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, राइट। और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को वी जितने वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, वी जितने स्पीड से हम इसको इस तरफ मूव करवा रहे हैं, राइट। अब होगा क्या, देखिए अभी इतना पूरा एरिया ट्रांसवर्स हो रहा है मैग्नेटिक लूप का, राइट। अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे पास में आएगा क्या होगा, एरिया लूप का धीरे धीरे कम होता जाएगा, और अगर एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। अभी आपके लूप का एरिया इतना हुआ, अगर ये वी वेलोसिटी इस तरफ जाएगा तो धीरे धीरे लूप का एरिया कम होता जाएगा, एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, ईएमएफ बनेगा। वही तुझे बताना है कि ये रॉड में कितना ईएमएफ बनेगा, यही तुम्हारा सवाल है कि रॉड में ईएमएफ कितना बनेगा, बताओ। चलो बता देते हैं कितना ईएमएफ रॉड में बनेगा बच्चों, ठीक है। तो लेट्स से अभी एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर इसका डिस्टेंस है एक्स, और ये एक्स धीरे धीरे चेंज होगा जैसे जैसे रॉड इस तरफ आएगा, तो ये जो डी एक्स बाई डी टी होगा, राइट, दैट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये है आपका स्पीड, और जो इस तरफ है तो हम क्या साइन लगाने वाले, नेगेटिव साइन लगाने वाले, ओके। चलो अब सिंपल सा करते हैं डेरिवेशन बच्चा। तो हमें पता है लेंज लॉ से कि जब भी आपका फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ क्या बनता है बच्चों, ईएमएफ बनता है डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन। चलो फ्लक्स होता है बच्चों ए इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, एरिया ऑफ द लूप। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों
लेंथ इनटू विथ। देखो आप ध्यान से समझो, तो ये एरिया का लेंथ है एल और विथ क्या है एक्स है, और ये एक्स आपका चेंज होगा। तो मैं एरिया की जगह रख दूंगा बच्चों एल इंटू एक्स। रॉड का लेंथ तो चेंज नहीं होना है, बट चेंज कौन होने वाला है, ये एक्स, और ये डी एक्स बाई डी टी हमने पहले ही लिख दिया, क्या है ये माइनस ऑफ वी, तो ये हो गया माइनस बी एल, और साथ में क्या आ गया माइनस वी, तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला ऑफ द इंड्यूस डी एम एफ विच इज बी वी एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस डी एम एफ बच्चों, बी इंटू बी इंटू एल बी वी एल। अब इसका जो एग्जैक्ट फॉर्म है बच्चों, एग्जैक्ट फॉर्म है ना इसका, मैं समझ लेना ध्यान से, बुक में आपको नहीं दिया है, बुक में तो इतना ही डेरिवेशन दिया है कि इंड्यूस डी एम एफ इक्वल टू बी वी एल। क्या करना है, सिंपली डी फाइव बाई डी टी फ्लक्स की जगह ए इंटू बी, बी बाहर, एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू एक्स, और एक्स का जो चेंज है वो आपका वेलोसिटी है नेगेटिव साइन के साथ। अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, सपोज मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, राइट, दिस इज हाउ योर मैग्नेटिक फील्ड इज, ओके, उसके अंदर अगर आपका वायर का लेंथ ऐसे आपने रखा हुआ है, ठीक है, ये वायर का लेंथ है एल, ध्यान से देखना, और आप उसको वी वेलोसिटी से ऐसे मूव करवा रहे हो, तो इंड्यूस डी एम एफ का जो एक्चुअल फॉर्मूला ना बच्चों, इंड्यूस डी एम एफ का एक्चुअल फॉर्मूला है बच्चों बी इंटू वी क्रॉस एल, बी इंटू वी क्रॉस एल। एक सेकेंड ना, जो थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट जा रहा है, मोशनल ईएमएफ का वेक्टर फॉर्मूला वी क्रॉस एल होता है या एल क्रॉस वी होता है, मोशनल ईएमएफ वेक्टर फॉर्म, इमेज इसमें शायद मिल जाएगा, ये क्या आया, दवाइयां कहां से आ गई, वेर इज वेक्टर फॉर्म, वेट अ सेकंड, कैन यू फाइंड इट समवेयर वेक्टर फॉर्म, से इतना सारा तो हमें काम का नहीं है, बट डू वी सी समवेयर द वेक्टर फॉर्म ऑफ इट, क्योंकि एंट्रेंस में गया क्यू इंटू नहीं क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो फोर्स का फॉर्मूला, एक सेकंड ना, चले बच्चों, तो आपका वेक्टर फॉर्मूला यहाँ पे बी डॉट एल क्रॉस वी, वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है बी डॉट एल क्रॉस वी, ओके, और अगर आपको खाली वैल्यू से लिखना है देन इट इज बी वी एल साइन थीटा। टेक्स्ट बुक में इतने सारे फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए, बट आपको ये फॉर्मूलाज का आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये तो एंगल जो है एल क्रॉस वी, उसके बीच का एंगल आपको लेना है, तो सपोज ये आपका एल है और ये आपका वी है, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी योर थीटा एंगल, बी डॉट एल क्रॉस वी, अंडरस्टूड, आई बात समझ में, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला ऑफ द मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला एक दूसरी तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, तो ये आपका रॉड है, सपोज ये एंड है आपका पी और ये एंड है आपका क्यू, ठीक है, चलिए सपोज आपका रॉड इस तरफ जा रहा है विद द वी वेलोसिटी और यहां पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, अब हमें पता है कि जब भी पूरा रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये रॉड के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, सारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो चार्ज पार्टिकल को क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, सो वी सिंपली राइट हियर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स होता है बच्चों, फोर्स होता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो बच्चों क्यू इंटू वी क्रॉस बी, लेट्स सी पॉजिटिव चार्ज को कहाँ फोर्स लगेगा, तो आपको फाइंड करना है वी क्रॉस बी, तो देखो आपका वी इस तरफ है और बी अंदर की तरफ है, राइट हैंड रूल मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, वी क्रॉस बी निकालना है आपको, वी क्रॉस बी, तो वी आपका इस तरफ है, तो राइट हैंड के फिंगर वी की तरफ ओपन करके बी की तरफ कर्ल हो रहा है, यस बी अंदर है, कर्ल हो रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को कहाँ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ, तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा हो जाएगा नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ द फोर्स, राइट, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, रॉड का लेंथ है एल जितना, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क लगेगा अगर पी एंड से क्यू एंड पे आना है, तो हेंस वी कैन राइट योर वर्क टू मूव
चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने की वजह से, क्यू इंटू वी इंटू बी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एल जितना, चलो क्यू नीचे डिवाइड कर दो। तो बच्चा वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वोल्टेज होता है ना, ईएमएफ। तो ये आपका एक और तरह से फॉर्मूला बन गया, क्यू नीचे आ गया, क्या बचा यहाँ पे बीवीएल। तो ये लीजिए बच्चों, एक और तरह से आपका ये आंसर बन गया बीवीएल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा बच्चा, यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाया, फोर्स का कंसेप्ट यूज किया। स्टेटमेंट पढ़िए आपको आइडिया आ जाएगा। पहले केस में हमने फ्लक्स चेंज के कंसेप्ट से फाइंड किया और अब हमने फोर्स के कंसेप्ट से फाइंड किया। इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मोशनल ईएमएफ बीवीएल बाय इन्वोकिंग द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री चार्ज कैरियर्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, लॉरेंस फोर्स ऑन द फ्री चार्ज कैरियर्स, राइट। कंसिडर एनी आर्बिटरी चार्ज क्यू इन द कंडक्टर व्हेन द रॉड मूव विद अ स्पीड वी, द चार्ज विल ऑल्सो बी मूविंग विद द स्पीड वी इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज भी इस तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी वी। द लॉरेंस फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी क्यू वी बी, राइट, एंड इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द क्यू। देखो पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगा बच्चों, नीचे की तरफ फोर्स लगा। ऑल चार्जेस एक्सपीरियंस इज द सेम फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजिशन इन द रॉड पी क्यू, एंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। जो हमने किया है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है क्यू वी बी इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्यू गया नीचे, वर्क डन बाई चार्ज क्या होता है आपका ईएमएफ होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ विच टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। क्या है ये आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशनल ईएमएफ। तो ये टेक्स्ट बुक का फंडा और ये आपके लिए एंट्रेंस के लिए फॉर्मूला, क्यू इंटू वी क्रॉस बी वैक्टर फॉर्म में कैसे लगाया जाता है, राइट, बी डॉट एल क्रॉस बी करके। चलो आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे, दो एग्जाम्पल है एंड देन वी विल स्टॉप, फिर ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। चलो क्या है एग्जाम्पल में देखिए, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 revolution per second विथ वन एंड हिंज एट द सेंटर ऑफ द अदर एंड सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्क्यूलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। मतलब एक है हमारे पास सर्क्यूलर मेटालिक रिंग, ये सर्क्यूलर मेटालिक रिंग है, और एक है हमारे पास रॉड, 1 मीटर का ही रॉड है, तो जो इस तरह से घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है, राइट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये हो गया एक्सिस, अ कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट। तो ये एक्सिस के पैरेलल हर जगह पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस को पैरेलल डायरेक्शन में। आपको बताना है व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, राइट। देखिए जैसे ही ये मेटालिक रॉड घूमेगा ऑब्वियस है ये बहुत सारी फील्ड की लाइन को कट करेगा, और अगर फील्ड की लाइन को कट करेगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब उसके अंदर क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए रॉड के अलग अलग एंड का स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि जो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चा, ये लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये जो पॉइंट है उसके लिए आर इक्वल टू क्या है, 0, और ये जो पॉइंट है उसके लिए आर इक्वल टू पूरा लेंथ जितना डिस्टेंस है। जो अलग अलग पॉइंट पे स्पीड आपका अलग अलग होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक सिंपल सा एलिमेंट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, सपोज इसका लेंथ है डी आर, जो सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है, और वो यहाँ पे वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब भी हम मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला देख के आए, सो इफ एलिमेंट ऑफ लेंथ डी आर रोटेटिंग एट डिस्टेंस आर विद वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर इज कंसिडर्ड, राइट,
तो ये छोटे से टुकड़े में कितना ईएमएफ बनेगा, हैंस ईएमएफ डेवलप डी लिखेंगे उसको। क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी आपने, अगर कोई भी मेटल अगर मूव कर रहा हो तो ईएमएफ कितना बनाता है बच्चों, बी वी एल। चलो ये टुकड़े का लेंथ कितना लिया है अब मैंने, डी आर, और ये टुकड़े का वेलोसिटी कितना है बच्चों, टुकड़े का वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर। मतलब ये छोटे से टुकड़े के अंदर इतना ईएमएफ बनेगा, बी ओमेगा आर डी आर। अब पूरा रॉड जब घूम रहा है तो फिर ये डी आर को अपने को जोड़ना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक, तो इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके एल तक। हैंस टोटल ईएमएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फ्रॉम जीरो टू एल। चलो इसको कर दो इंटीग्रेट, बी कॉन्स्टेंट है ओमेगा कॉन्स्टेंट है, आर को करेंगे इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू एल। चले बेटा सबको पता है कि आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट क्या है जीरो टू एल, लिमिट रख दो अपर लिमिट, आपका आंसर आ गया। हैंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा, एल का वैल्यू रख दो यहाँ पे एल स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला डेरिवेशन, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ब्रैकेट्स क्यों नहीं बन रहे आज बराबर, ओके और खराब हो गया। चलो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बना बच्चा, तो जब भी कोई रॉड रोटेट करे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या बनता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू बनता है, राइट। अभी सारे वैल्यू आपको दिए हुए, चलो वैल्यू रख देते हैं। बी का वैल्यू कितना है, 1 टेस्ला, ओमेगा है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। अब बेटा रखो, नाउ बी वैल्यू है 1 टेस्ला, ओमेगा दिया है आपको 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करो 2π, रेडियन पर सेकंड में ये हो गया 100 × π, मतलब 314 रेडियन पर सेकंड। रॉड का लेंथ भी 1 मीटर ही है, आई गेस रॉड का लेंथ भी 1 मीटर ही है। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी दिया है 1 टेस्ला, ओमेगा बहुत ज़्यादा है 314, एल का वैल्यू है 1 / 2, तो आपका आंसर आएगा 157 वोल्ट। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आया, लेट मी चेक सारा डेटा सही है ना, स्पीड बहुत ज़्यादा है, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है भाई, तो सही आंसर आपका। इतना स्पीड में ये रॉड घूम रहा है कि कितना ईएमएफ बना रहा है, 157 वोल्ट ईएमएफ बना रहा है। तो क्या करना है बेटा, पहले एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, उसका ईएमएफ फाइंड करेंगे बी वी एल करके, बी इंटू छोटे से टुकड़े का वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, और उसका टुकड़े का लेंथ है डी आर, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो जीरो से एल पे, आपका आंसर बन जाएगा। अब इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है बच्चों, कि अगर एक रॉड की जगह पे बहुत सारे स्पोक्स हो इस तरह से, अगर बहुत सारे स्पोक्स हो तो हर एक स्पोक बनता है एक छोटा सा बैटरी, है ना, क्योंकि हर एक स्पोक में ईएमएफ जनरेट होगा, ये पूरा घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर एक स्पोक घूमने से ईएमएफ बना तो इसके घूमने से भी ईएमएफ बनेगा, 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 सबके घूमने से ईएमएफ बनेगा। ओके, हाउ विल द इक्विवेलेंट सर्किट लुक लाइक, देखो तो सपोज ये पूरा इस तरफ घूम रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को कहाँ फोर्स लगेगा वो देखते हैं। तो V आपका कहाँ पर है, इस तरफ है, वेलोसिटी ऐसा है ना, और B अंदर की तरफ है, V क्रॉस B थंब इस तरफ आया ना, मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जमा होगा और सारा नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ जमा होगा हर एक में। तो हर एक रॉड एक छोटी छोटी बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, इसमें हर एक का प्लस अंदर होगा माइनस बाहर होगा। अब मुद्दे की बात क्या है बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि हर एक बैटरी का नेगेटिव आपने एक साथ में जोड़ दिया, देखो दिख रहा है, सबका नेगेटिव एक साथ में जोड़ा है रिम के ऊपर, देखो सबका नेगेटिव बाहर की तरफ है और सबका पॉजिटिव आपने साथ में जोड़ दिया है अंदर की तरफ, मतलब ये और कुछ नहीं बना बच्चों, ये बन गया आपके बहुत सारे बैटरीज जिन सबका प्लस भी साथ में जोड़ा है, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ बैटरीज, और इन सबका माइनस भी आपने साथ में जोड़ दिया है, तो ये बन गया बहुत सारे बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बना बच्चों, ये बहुत सारे बैटरी का बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख लीजिए आप। और जब बहुत सारे बैटरी पैरेलल जोड़े होते हैं तो पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं होता है, चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्ट। तो पैरेलल में जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ रहेगा
वो आपका ई जितना ही रहना है, जितना एक का होगा उतना ही आपका ईएमएफ रहने वाला है, ईएमएफ चेंज होने वाला नहीं है। बट इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, अगर एक रॉड का रेजिस्टेंस आर है सर, अगर एन नंबर में आपको स्पोक्स दिए हुए हैं तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एन हो जाएगा, बिकॉज सब लोग कनेक्टेड है पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बट पैरेलल में आपका ईएमएफ चेंज होता नहीं है, राइट। तो एक रॉड रोटेट करे या बहुत सारे रॉड रोटेट करे या पूरा का पूरा डिस्क रोटेट करे, ये क्या है बच्चों, पूरा का पूरा डिस्क है जो घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर पूरा का पूरा डिस्क भी घूमे तो ईएमएफ सेम ही रहता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, राइट। तो ईएमएफ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्क का मतलब इनफाइनाइट स्पोक्स है, बहुत सारे स्पोक्स को रख दो तो पूरा डिस्क बन जाएगा, तो ईएमएफ रिमेंस सेम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। चलो चेक आउट द लास्ट एग्जांपल ऑफ द क्लास, अ व्हील विथ 10 स्पोक्स ईच ऑफ 0.5 मीटर रोटेटेड विथ द स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। पहले इसको कन्वर्ट करो, ओमेगा दिया है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन एंड मिनट मतलब 60 सेकंड, तो ये हो गया 4 पाई रेडियन। नंबर ऑफ स्पोक्स दिए 10, लेंथ दिया है 0.5 मीटर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड है आपका 0.4 गॉस, गॉस मतलब 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। आपको बताना है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ। तो अब भी हमने क्या देखा कि स्पोक्स कितने भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ जितना एक का होता है उतना ही रहता है, तो इंड्यूस ईएमएफ आपका वही रहेगा बच्चों, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। वैल्यू डालते जाओ, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। लेट मी सी व्हाट विल बी दिस वैल्यू, 0.4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 0.25 डिवाइड बाई टू, दैट इज 0.628 इंटू 10 पावर माइनस 4, दैट इज 6.28 मिली वॉट। इतना होगा इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ को नंबर ऑफ स्पोक्स से कोई मतलब होता नहीं है, तो यहाँ जो 10 मेटालिक स्पोक्स दिए उसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप एक्सप्लेन कर देना कि हर एक स्पोक का ईएमएफ सेम होगा एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो मैंने आगे आपको समझाया, इसमें देख लीजिए सारे कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे पैरेलल में। ओके बच्चे, तो यहां पे लो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला अध्याय होता है कंप्लीट। ओके बच्चों, अगले अध्याय में हम बात करेंगे अबाउट द इंडक्टर, इंडक्टर का एनर्जी, राइट, और साथ में हम बात करेंगे अबाउट द जनरेटर, जनरेटर किस तरह से काम करता है। ओके बच्चों, तो दैट थिंग विल बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। उससे पहले इसके नोट्स का लिंक मैंने दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चे लोग वापस अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।